ऐसा है जी, बार का माहौल बिल्कुल एक तरफा है। जोगिंदर मलिक ही जीतेंगे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत मेहनती हैं और जो है ईमानदारी से अपना काम करते हैं। और हमारी बेस्ट विशेज, पूरी पूरी बार एसोसिएशन की पूरी बेस्ट विशेज जोगिंदर मलिक के साथ है। डेफिनेटली ये अपना इलेक्शन निकालेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप लाइव जुड़ चुके हैं। आज का मुद्दा रहने वाला है बहुत खास, क्योंकि बार एसोसिएशन के चुनाव जो है 15 तारीख को वोटिंग है और फिर से किसी को चुना जाना है। तो इस वक्त हम चैम्बर नंबर 63A में मौजूद हैं और जोगिंदर मलिक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या सोचकर उन्होंने इलेक्शन के लिए अपना नाम आगे किया है और क्या क्या उनकी मतलब क्या जो वकीलों के लिए कुछ जो खास उनकी वो करने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार साथियों का बहुत बहुत आभारी हूँ जी और आपका धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपकी पत्रकारिता बिल्कुल स्पष्ट पत्रकारिता है और हम ऐसी पत्रकारिता ही, दरअसल पत्रकारिता ही समाज का दर्पण होता है, जी और जो असली पत्रकारिता आप ही कर रहे हो और हमें बहुत ही अच्छा लगता है। आप जैसे पत्रकार होने चाहिए जिससे समाज का, देश का हित हो, अहित ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, वाइस प्रेसिडेंट के लिए आप अभी चुनाव लड़ रहे हैं बार एसोसिएशन के, तो क्या सोचकर आप चुनावी मैदान में उतरे? क्या क्या समस्याएं जो आपको नजर आती हैं? जी, समस्याएं बहुत सारी हैं, क्योंकि इन समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हमने यहाँ से 8-10 साल हो लिए, हमने ये जो चीज़ें हम फेस करते आ रहे हैं, तो समस्याएं हैं, वे बहुत सारी समस्याएं। सबसे पहली समस्या यहाँ सफाई का है। जी वॉशरूम बिल्कुल जो है स्थिति बिल्कुल ख़राब है, वो वॉशरूम करने लायक भी नहीं है, यूज़ करने लायक नहीं है यहाँ के। सबसे पहला हमारा कार्य यह रहेगा कि वॉशरूम की और वैसे भी सफाई यहाँ की प्रॉपर सफाई हो। दूसरा, पब्लिक टॉयलेट नहीं है यहाँ पे, सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पब्लिक टॉयलेट की है। हम अगर चुन कर आते हैं तो हम पब्लिक टॉयलेट बनवाएंगे, जो यहाँ टॉयलेट हैं उनका प्रॉपर जो है सफाई की व्यवस्था करेंगे। दूसरा हमारा मुद्दा है वकीलों के, नए नए वकील आते हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था। जी चैम्बर्स का तो लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, लेकिन हम सबसे पहले अपने 3 महीने यानी 100 दिन के अंदर अंदर हम जो है वकीलों को, जिन वकीलों के पास बैठने की व्यवस्था नहीं है उनके लिए बैठने की व्यवस्था कराएंगे। तीसरी है पानी की, पीने के पानी की। आप जाकर देखें पानी की व्यवस्था, पानी की स्थिति बहुत ख़राब है, क्वालिटी बिल्कुल ख़राब है, टंकी की प्रॉपर कोई सफाई नहीं होती, RO है जो अच्छे से प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। चौथी समस्या हमारी ये है कि यहाँ पे लाइब्रेरी है, लेकिन लाइब्रेरी के अंदर ई लाइब्रेरी नहीं है, जिससे, क्योंकि आज तकनीकी का ज़माना है और इसलिए जो है ई लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए। हम वो ई लाइब्रेरी की व्यवस्था कराएंगे। हमारा अगला मुद्दा ये है कि यहाँ पे सिक्योरिटी, सुरक्षा, सुरक्षा बहुत ही अहम मुद्दा है वकीलों के लिए, जज के लिए, क्लाइंट्स के लिए, सबके लिए सुरक्षा होनी चाहिए। उसके लिए प्रॉपर तरीके से हम जो CCTV कैमरे लगें या फिर प्रॉपर कोई भी पुलिस की सहायता से सुरक्षा की हम व्यवस्था कराएंगे। अगला मुद्दा जो है यहाँ पर, वकील जब कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एंट्री करते हैं, वहाँ करीब 55-60 फुट का जो है रास्ता, वहाँ पर कॉरिडोर नहीं है, क्योंकि बरसात के टाइम में बड़ी समस्याएं होती हैं, तो हम वो कॉरिडोर की व्यवस्था कराएंगे, कॉरिडोर बनवाएंगे। और एक लास्ट जो समस्या है वो बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि बरसात के टाइम में वकील यहाँ पर, बरसात होती है तो गाड़ी की तरफ, पार्किंग की तरफ जाते हैं, तो वो जूतों को हाथ में उठाकर जाते हैं, क्योंकि रोड पर पानी भर जाता है, गाड़ी तक जो है ऐसे जाया नहीं जाता। तो हम बिल्कुल आश्वस्त कर देना चाहते हैं पूरी बार एसोसिएशन सोनीपत को कि जैसे ही हम चुनते हैं तो सबसे पहले हम 100 दिन ही मांगते हैं अपने, यानी करीब 100 दिन, 100 दिन के अंदर ही हम पानी की, यहाँ की सीवरेज की प्रॉपर व्यवस्था कराएंगे। बरसात के मौसम में वकीलों को हाथ में जूते नहीं, वकीलों के हाथ में जो है पेन हम देंगे वकीलों को, जी और हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। और एक समस्या और है पार्किंग की, पार्किंग के लिए भी जो भी कदम हमसे होगा हम बेहतर करेंगे पार्किंग व्यवस्था का। जी सर ने एक झटके में ही सारी समस्याएं जो है उनका समाधान जो है यहाँ पर कर दिया है। समस्याएं छोटी लग रही है सुनने में, लेकिन A to Z समस्याएं ये फेस करनी पड़ती है वकीलों। मैं जोगेंद्र मलिक, एडवोकेट, जिला बार एसोसिएशन सोनीपत के वाइस प्रेसिडेंट पद पर चुनाव लड़ रहा हूं। मैं सभी बार एसोसिएशन सोनीपत के माननीय आदरणीय सदस्यों को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मेरे पक्ष में वोट दें, अपने भाई को प्यार और आशीर्वाद देकर इस चुनाव में भारी बहुमत के साथ सफल बनाएं। मैं आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरूंगा, आपसे वादा करता हूँ।